वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं चीफ ग्रिल पेशावर, और ये एक बहुत वेल नोन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको देसी खाना भी मिलता है और आपको चाइनीज़ भी मिल जाता है, और जंक फूड हर टाइप का खाना जो आपको पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अच्छा, इनका ना फूड भी बहुत अच्छा है, इनकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और इनका अंदर एम्बियंस और इनके जो प्राइजेस हैं वो सब कुछ दी बेस्ट हैं। अब मैं आपको इनका ना आउटडोर सीटिंग एरिया दिखाती हूँ। ये रहा इनका आउटडोर सीटिंग एरिया। जब वेदर अच्छा हो तो बाहर बैठना मैं प्रेफर करती हूँ अपने फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही मज़े की स्ट्रीट टाइप की वाइब्स आती हैं, जिस तरह से डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में बाहर स्ट्रीट वाइब्स लेने के लिए बैठते हैं, तो यहाँ पे भी आप पाकिस्तान में पेशावर में वो वाइब्स ले सकते हैं। अब हम अंदर आ गए हैं और ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली हॉल जो है वो ऊपर है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा फैमिली हॉल है। और सेम इसी तरह से नीचे भी है, लेकिन वो सिर्फ जेंट्स के लिए है। और यहाँ पे आजकल तो गर्मी है तो एसी लगे हुए हैं, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, अंदर का वेदर इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटी सी बेकरी, और इनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपको अच्छी खासी प्राइवेसी मिल जाती है। अच्छा जी, मेन्यू मैंने सारा आपको यहाँ दिखा दिया है, आप प्राइजेस भी देख सकते हैं कि बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही मज़े की प्रेजेंटेशन इनकी है। और मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ कि आपको यहाँ आके कौन सी चीज़ है जो कि मस्ट ट्राई करनी है, तो वो होगा इनका बीफ पाए, एपिटाइज़र्स में वो आपको मेंशन है। और इसके अलावा यहाँ पे इनका जो बीफ शामी बर्गर है विद चीज़, वो भी वन ऑफ द फेवरेट है मेरा, और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे हैं, इनके ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और हर तरह की चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मज़े की है। इनका मुझे हॉट एंड सॉर सूप भी बहुत पसंद है, लेकिन आज गर्मी थी तो इसलिए मैंने नहीं ट्राई किया। और आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं। तो आज हमने क्या ऑर्डर किया मैं आपको वो बताती हूँ। आज हमने ऑर्डर किया है इनका बीफ स्टेक बर्गर, ठीक है, बीफ स्टेक ग्रिल बर्गर। और इसके साथ आपको एक नज़र आ रहा होगा कि एक कटलेट्स है आलू का, और ये रहा मेरा बर्गर, बीफ चीज़ शामी बर्गर और बीफ पाए था। और अब हम इसको खाते हैं, ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही टेस्टी। ये रहा बीफ पाए, वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट आइटम, जो कि मैं जब भी आती हूँ ना तो मेरा मस्ट ट्राई होता है यहाँ पे। और मैं आपको ना थोड़ा सा खोल के भी दिखा देती हूँ बीफ स्टेक बर्गर, और ये बहुत ही मज़े का था। अच्छा, हमने इनका ना बीफ पिज़्ज़ा ट्राई किया, तो वो भी बहुत ही मज़े का था। बीफ कढ़ाई ट्राई की। बाय द वे, मैं बताती चलूँ कि आजकल हम थोड़ा सा चिकन को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हमने सारी मोस्टली चीज़ें जो ऑर्डर की थी वो बीफ की थी, लेकिन बीफ वैसे भी आई रियली लव बीफ, और पेशावर में ना आप आराम से बीफ खा सकते हैं और बहुत अच्छा बीफ आपको मिल जाता है। मुझे ना इनके ये लोगो और टिशू बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना हमारे पास कॉर्नर में एक छोटी सी बेकरी का रैक है, जिस पे डिफरेंट टाइप के केक्स हैं, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। हमने खाना पीना कर लिया जी, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। मैं आपको स्टेयर्स दिखाती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नीचे जो है वो है जेंट्स का हॉल, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से ना फैमिली हॉल है सेम उसी तरह से ही जेंट्स का हॉल है। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं एग्ज़िट। अच्छा, जैसे ही आप एग्ज़िट करते हैं आपको सामने काफ़ी सारे स्टोर्स भी नज़र आ जाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा एंटरटेन करने के लिए एक बहुत ही मज़े का कार्टून करेक्टर यहाँ पे आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमेशा की तरह आज का भी चीफ ग्रिल का हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
और आप ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ, और जो चीज़ें मैंने रिकमेंड की हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।